सत्कारयो साथियो सत श्री अकाल जी। अज आपां पंजाब दे मुलाजम ते पंजाब सरकारी महकमे विच 20 साल तो काम करदे कच्चे मुलाजम बारे जानकारी प्राप्त होई असां दसांगे जी। हुण मेरी बेनती आ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो जी। पंजाब सरकार दे महकमे विच काम करदे कच्चे मुलाजम दी जो मीटिंग आ आने वाले 14 दिसंबर नूं मुख्यमंत्री भवन तों नाल होई आ। अज पंजाब सरकार दे महकमे विचों रिटायरमेंट हुए मुलाजम 29 नवंबर नूं मोहाली दे विच रोस प्रदर्शन करनगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान अते वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुद्दाबाजी करनगे। पंजाब सरकार दे हरेक महकमे दे मुलाजम अज आप सरकार तों दुखी हो गए ही। अज रैलियां रोस प्रदर्शन अते पंजाब सरकार दे पुतले फूके जा रहे हन क्योंकि आप सरकार ने मंगा तो मान लिया वह लागू नहीं कर रहा है। इस करके ही जो खेती मजदूर हैं वह भी मुख्यमंत्री भगवंत मान का कुंडा खड़काउणगे। पंजाब सरकार के महकमे विच दर्जा 4 मुलाजमान ने मीटिंग करके लुधियाने विच यह फैसला किया है कि आने वाले समय में पंजाब सरकार के विरुद्ध तिखा संघर्ष शुरू किया जाएगा। जो नेगा कामे हैं वह भी 30 नवंबर को संगरूर के रोस प्रदर्शन करनगे जी। पंजाब सरकार के महकमे विच काम करदे मुलाजम मंग है कि सानू महंगाई भत्ते दीआं किस्तां दित्तियां जाण। जिस तरह केंद्र सरकार ने डीए जुलाई 2022 तो 34% तो वधा के 38% किया गया है तो साडा भी डीए विच 4% वाधा किया जाए। सांझे फरंट के आगू जरमजीत सिंह ने कहा कि सन 2016 तो पे कमीशन का जो एरियर बनता है वह भी दिता जाए तो मुलाजम कट्टिया पेंडू भत्ता बहाल किया जाए। पुरानी पेंशन स्कीम संघर्ष कमेटी के कन्वीनर जसवीर सिंह तलवाड़ा ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम का पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन करता है पर उस सोधा करके नियम 1972 अनुसार पुरानी पेंशन लागू की जाए और मुलाजमान का नवंबर महीने में तनखाह विचों GPF कटा जाए। पावरकॉम के मुलाजम मांग कर रहे हैं कि 9 साल 16 साल 23 साल स्केल बिना शर्त लागू किया जाए। धन्यवाद साथियों, मैं चैनल सबसक्राइब करो जी।